यूपी सिटी न्यूज, जुड़िए उत्तर प्रदेश से। बुलंदशहर में किन्नरों के लिए बन रहा देश का पहला आश्रम और साथ ही मिलेगा रोजगार भी। जी हाँ, यहाँ किन्नरों के लिए बन रहा है देश का पहला आश्रम। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में थर्ड जेंडर के लिए देश का पहला आश्रम बनने जा रहा है। यहाँ रहने वाले किन्नरों के रोजगार का भी इंतजाम किया जाएगा। यह बीड़ा उठाने वाली समाज सेवी रंजना है। साथ ही रंजना जी ने बताया कि उन्होंने अपने जेवर तक बेच दिए हैं। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वाले किन्नरों का दिल किस कदर टीस से भरा होता है, उसे कोई देख नहीं पाता। ना रहने का ठिकाना और ना ही जीवन व्यापन करने का साधन। अब खुर्जा के गांव टैना में उनकी जिंदगी को लेकर शानदार ख्वाब संजोया गया है। यहां थर्ड जेंडर के लिए देश का पहला आश्रम बनने जा रहा है। यहां रहने वाले किन्नरों के रोजगार का भी इंतजाम किया जाएगा। ये बीड़ा उठाने वाली समाज सेवी रंजना को अपने जेवर तक बेचने पड़ गए। जी हाँ, महिला कल्याण समिति के अध्यक्ष रंजना अग्रवाल ने बताया कि देश के पहले किन्नर आश्रम की नींव टैना गांव में रखी गई है। भूमि पूजन किया गया है। जल्द ही काम पूरा कर यहां वृद्ध और निराश्रित किन्नरों को आश्रय दिया जाएगा। यहां रहने वाले किन्नरों को रोजगार प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। सरकार से किन्नरों की सहायता के लिए पत्र भी लिखा गया है। उम्मीद है यह मुहिम अन्य प्रदेशों और जनपदों में भी आकर लगेगी। सबसे पहले तो मैं सबको अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा करना चाहती हूँ। मेरा नाम आयशा परी है, मैं साठा इस्लामाबाद की रहने वाली हूँ। किन्नर समाज से समाज की सेविका हूँ, ठीक है। जो दीदी ने बोला है कि हिंदुस्तान के अंदर किन्नर वृद्ध आश्रम नहीं है, तो ये मतलब करना चाहती हूँ। सेवा करती थी, बेटियों को निःशुल्क ब्यूटी शाइन सिलाई कढ़ाई सिखाती थी, डीडी कॉलेज इंटर कॉलेजों में जाती थी। वहाँ बीच में मुझे किन्नर भी मिले ने, वो एक जमीन ली है और उसके 6 तारीख को उसकी नींव रखी जा रही है, जिसमें डीएन साहब, सीडीओ सर और अधिकारी, राज्य मंत्री जी भी आ रहे हैं, अनिल शर्मा जी भी आ रहे हैं और नींव रख दी है। देखो, मैं ये चाहती हूँ कि जैसे हमारा खुर्जा जिला बुलंदशहर में बनी है, इसी तरह से पूरे भारत में वृद्ध किन्नर आश्रम होने चाहिए। इनके लिए सुविधा होनी चाहिए सारी। यूपी सिटी न्यूज़, जुड़िए उत्तर प्रदेश से।